सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है हरि बख्शी और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं गाइज। हम अपने सबसे पहले स्टेप को सीखने के लिए हमें इस तरह से खड़े हो जाना है। हम अपने राइट लेग को आगे रखेंगे इस तरह से एंड लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे और थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके रखेंगे लेग को। एंड सबसे पहले जो हम अपने प्रैक्टिस करेंगे राइट लेग से प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले स्टेप में आपको राइट लेग को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है एंड ऐसे नीचे रखना है। थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे एंड फिर नीचे रखेंगे, इस तरह से करना है। एंड इस तरह से करते हुए आपको क्या करना है कि जैसे ही हम अपने पैर को ऊपर उठाएंगे तो हमारा लेग ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे। यहाँ से जब लेग को ऊपर उठाएंगे तो इस तरह से रखेंगे एंड जब रखेंगे लेग को तो हम अपने पैर को ऐसे थोड़ा सा घुमा के रखेंगे इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है 1 2 3 4 और नीचे सिर्फ पूरा पैर नहीं रखेंगे, सिर्फ ऐसे टो रखेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि अपने कमर को भी मूव करना है। जैसे ही अपने पैर को नीचे रखेंगे हमारा कमर आगे जाएगा इस तरह से। जितना हम अपने कमर को जितना आगे लेकर आएंगे उतना स्टेप अच्छा दिखेगा। तो आपको इस तरह से करना है, जैसे ही पैर को रखेंगे कमर आगे आएगा हमारा एंड जैसे ही लेग्स को ऊपर उठाएंगे हम अपने कमर को ऐसे पीछे लेकर आएंगे इस तरह से एंड फिर रखेंगे पैर को तो कमर हमारा आगे आएगा एंड उठाएंगे लेग को तो हमारा कमर ऐसे पीछे। तो इस तरह से आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम हमें अगर लेफ्ट से हम करना चाहें तो सेम हमें इसी तरह से करना है। ऐसे लेग को ऊपर उठाएंगे और जैसे ही रखेंगे कमर आगे आएगा, पैर को उठाएंगे कमर हमारा पीछे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना हम अपने कमर को आगे ऐसे लेकर आ सके उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से जैसे ही पैर को रखेंगे हम अपने कमर को आगे लेकर आएंगे एंड पैर को ऊपर उठाएंगे हम अपने कमर को ऐसे पीछे लेकर आएंगे और जब कमर को पीछे लेकर आएंगे तो हमारा जो लेफ्ट लेग है ये थोड़ा सा ऐसे बैंड होगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार फिर से करते हैं। चलिए 5 6 7 को रेडी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इसमें हमें क्या करना है कि इसे धीरे धीरे इसे फास्ट करना है। जब आप इस तरह से कर पा रहे हैं तो आपको इसे धीरे धीरे फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इस स्टेप को करते हुए अगर आप आगे पीछे ऐसे मूव होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये करना है कि जो हमारा लेफ्ट लेग है वो इस तरह से रखेंगे, पूरा ऐसे नहीं रखना आपको, इस तरह से रखना है। एंड जैसे इस पैर को रखेंगे हम अपने तो हम अपने हील को ऐसे आगे लेकर आएंगे और टो पे रखेंगे पैर को, ऐसे पूरा पैर नहीं रखेंगे, टो पे रखेंगे और हील को ऐसे आगे लेकर आएंगे एंड फिर से जब उठाएंगे तो ऐसे हील को वापस ऐसे पीछे लेकर आएंगे। एंड जैसे इसे रखते हैं हम अपने लेग को रखेंगे तो जो हमारा लेफ्ट लेग है इसे हम अपने अपने हील को ऐसे आगे लेकर आएंगे, जैसे इस पैर को रखेंगे हील को आगे लेकर आएंगे इस तरह से। ये हमारा जो लेग है लेफ्ट लेग है ये स्लाइड होकर ऐसे हील हमारा आगे आएगा एंड जब लेग को ऊपर उठाएंगे आगे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे तो हम अपने टो को ऐसे स्लाइड करके आगे लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। एंड ऐसे पैर को टेढ़ा करके रखेंगे एंड फिर से पैर रखेंगे फिर अपने हील को ऐसे आगे लेके आएंगे 2 3 4 5 फिर से आप लोग काउंट पर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस पोजिशन पर रहते हैं एंड जैसे ही रखेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वापस आने के लिए फिर आपको जैसे हम लोग आगे आने के लिए हिल से स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 एंड वापस आने के लिए टो से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो एक बार फिर से करेंगे काउंट पे, चलिए 5 6 7 को रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन फिर से थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8
सेम हम लेफ्ट लेग से लेफ्ट साइड से भी सेम वैसे ही करेंगे। लेफ्ट लेग हमारा आगे होगा, जैसे पैर को रखेंगे हमारा कमर आगे एंड पैर को उठाएंगे कमर पीछे। ठीक है, तो काउंट पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड का जगह आप इसे आगे पीछे मूव होकर नहीं करना चाहते, एक ही जगह पे खड़े होकर करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से करना है। आप हमारा जो लेफ्ट लेग पीछे है इस पैर से इस तरह से स्लाइड करेंगे, हील को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इस तरह से करेंगे। जैसे ही पैर को रखेंगे हम नीचे तो हमारा हील ऐसे आगे आएगा एंड पैर को उठाएंगे तो हमारा हील ऐसे पीछे जाएगा इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से काउंट पे करेंगे, थोड़ा स्लो में करते हैं। लेफ्ट हैंड इस तरह से रखेंगे, राइट हैंड को थोड़ा फोल्ड करके रखेंगे एंड आपको क्या करना है, जैसे ही पैर को रखेंगे हम अपने राइट हैंड ऐसे नी से इधर सॉरी एल्बो से थोड़ा सा हिट करेंगे ऐसे राइट साइड, जैसे पैर को रखेंगे 1 2 3 4 थोड़ा आपको एनर्जेटिक करना है, ये थोड़ा सा एनर्जेटिक हिट करना है आपको राइट साइड में। जैसे ही कमर को आगे लेकर आएंगे पैर को रखेंगे राइट हैंड से राइट साइड हिट करेंगे और साथ में हमारा कमर भी चलेगा और लेग भी साथ में इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा हिल को ऊपर उठा के रखेंगे दोनों लेग को और आगे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे बारी बारी से। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आपको अपने राइट हैंड को एक बार नीचे और एक बार ऊपर करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 टेम लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गाइज इसमें हम अपने दोनों हैंड्स का मूवमेंट भी कुछ इस तरह से करेंगे जैसे हम लोग अभी इस तरह से कर रहे थे, एक हैंड को ऐसे सीधा रख के एंड एक हैंड को ऐसे फोल्ड करके कर रहे थे अभी हम लोग। तो आपको इसमें क्या करना है कि हैंड मूवमेंट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे दोनों हैंड इस तरह से रखिए एंड फिर आप स्टेप को कर सकते हैं। दोनों हैंड हमारा इधर राइट साइड में जाएगा और कमर जब हमारा आगे जाएगा तो दोनों हैंड राइट साइड, एंड जैसे ही हम अपने लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे कमर पीछे लेके आएंगे तो अपने हैंड को ऐसे लेफ्ट साइड लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें भी अपने हैंड को एक बार नीचे एंड एक बार ऊपर इस तरह से करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है बिल्कुल, और आप भी साथ में करते रहिए तभी आप इसे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम लेफ्ट साइड से करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आई होप गाइस कि आपको ये सारे डांस स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो स्टेप्स की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर और अच्छे से आप इस स्टेप्स को कर पाएंगे। तो इस तरह के और भी डांस स्टेप सीखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।